वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ एनआईटी त्रिची से श्री कृष्णा जुड़ रहे हैं, जिन्होंने वीएलएसआई में अपना एमटेक परस्यू किया है और साथ ही साथ उनका सैमसंग में प्लेसमेंट भी लग चुका है। तो आज हम श्री कृष्णा से एनआईटी त्रिची की बहुत सारी जानकारी, लाइक एडमिशन प्रोसेस, गेट कट ऑफ, ब्रांच प्रायोरिटी, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, एकेडमिक स्ट्रेस, ओवरऑल कैंपस लाइफ, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर आपको किसी दूसरे कॉलेज का एमटेक रिव्यू देखना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एमटेक कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट के नाम से एक लिंक दे रखा है, तो उस लिंक पर जाके आप जिस भी कॉलेज का रिव्यू देखना चाहे देख सकते हैं। तो सबसे पहले श्री कृष्णा, मेरे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएं। मेरा नाम श्री कृष्ण सारस्वत है और बीटेक मैंने गाजियाबाद से किया था, आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद मैंने ईएससी और गेट का प्रिपरेशन किया था, तो गेट के थ्रू मेरे को एनआईटी त्रिची में वीएलएसआई मिला। फिर वहाँ मैंने वीएलएसआई करके सेकंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर में मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन किया सैमसंग में। तो अभी करंटली मेरा इंटर्नशिप ही चल रहा है और जल्दी ख़त्म होके फिर फुल टाइम में अगस्त में मुझे ज्वाइन भी करना है सैमसंग में। आपके हिसाब से वहाँ पे ब्रांच की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए और वीएलएसआई में कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल? वीएलएसआई में जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स तो ऑब्वियसली है ही, और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये तीन ब्रांचेस के थ्रू वीएलएसआई में ले सकते हैं एनआईटी त्रिची में। और अगर प्रेफरेंस की बात करें तो अगर किसी का बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन है तो वीएलएसआई बेस्ट ब्रांच है। सेकेंड नंबर पर मैं प्रायोरिटी दूंगा कम्युनिकेशन को। फिर इलेक्ट्रिकल के लोगों के लिए अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम भी है और वो भी तैयारी कर सकते हैं वीएलएसआई के लिए, मतलब तैयारी करने के लिए वीएलएसआई कंपनीज के लिए किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जो इलेक्ट्रिकल के लोग हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग हैं वो दोनों ही वीएलएसआई कंपनीज के लिए तैयारी करके प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हैं। ये सब ब्रांचें हम कितने स्कोर पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो इलेक्ट्रिकल वीएलएसआई की अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो एनआईटी त्रिची में तो अच्छा खासा कट ऑफ जाता है। मेरा जैसे मैं अपना बता सकता हूँ, मेरा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड था, मेरा गेट भी इलेक्ट्रिकल से ही था, तो मेरा गेट स्कोर 730 था समथिंग। तो मेरे को वीएलएसआई कुछ लास्ट के राउंड्स में जाके मिला था। शुरुआत में मेरे को एनआईटी सूरतकल मिल गया था, पहले राउंड में मिल गया था, वो मेरे को काफ़ी टाइम तक सूरतकल ही रखा उन लोगों ने। लास्ट के जो स्पेशल राउंड्स होते हैं उसमें जाके मेरे को एनआईटी त्रिची मिला था। तो मतलब यहाँ वीएलएसआई के लिए बहुत टफ कंपटीशन होता है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी। और मेरे कुछ दोस्त भी हैं जिनका काफ़ी अच्छा स्कोर था, जैसे इलेक्ट्रिकल में गेट का रैंक भी अच्छी थी, 300 समथिंग थी, तो उनको जल्दी मिल गया था वो वीएलएसआई, मेरे को लेट मिला था। और अब इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो एज सच मेरे को स्कोर का ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ अगर मतलब जैसे 1000 के आसपास अगर रैंक के है तो मतलब इलेक्ट्रिकल मिल जाता है आराम से एनआईटी त्रिची में। वहाँ पे इंटर्नशिप की किस टाइप की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, किस किस टाइप की कंपनी विजिट करती है, कितने परसेंटेज बच्चे का इंटर्नशिप हो जाता है सेपरेटली तीनों ब्रांचों के लिए, लाइक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में? देखो मैं जैसे वीएलएसआई से शुरू करता हूँ तो पहले वीएलएसआई में कंपनीज का बताता हूँ। कंपनीज मतलब सारी अच्छी अच्छी कंपनी जितनी भी हैं इंडिया में वीएलएसआई की, सारी विजिट करती हैं, चाहे सैमसंग हो गया, टेक्सास हो गया, क्वालकॉम हो गया, सिनॉप्सिस हो गया, मीडिया टेक, जितनी भी कंपनीज आप सोच सकते हो वो सारी विजिट करती हैं कॉलेज में। एनवीडिया नहीं करती है, एनवीडिया का मतलब ऑल ओवर इंडिया ऐसा ही है, वो अलग से अपना एग्ज़ाम निकालते हैं, नेक्स्ट करके एग्जाम होता है ईयरली, वो उनका अलग होता है, तो वो किसी भी कैंपस में विजिट नहीं करती हैं। फिर उसके बाद इन कंपनीज में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, चाहे बीटेक हो चाहे एमटेक हो, और इंडिपेंडेंट ऑफ कोई भी ब्रांच हो आपकी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में से दोनों में से, चाहे पावर सिस्टम लिया हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिया हो, चाहे वीएलएसआई हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, ये सब सारे लोग इन कंपनीज में बैठ सकते हैं। फिर इसके बाद बात करता हूँ इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप हमारे यहाँ ऐसा है कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करती है। अब एनआईटी त्रिची में क्या है कि इंटर्नशिप पहले नहीं होती थी, इसलिए 2 साल से देना शुरू किया इन लोगों ने।
उसमें भी सारे बच्चों को नहीं देते हैं, 50% लोगों को देते हैं। अब मुझे लगता है कि शायद ऐसा रिव्यूज़ हैं, 2 साल से ये लोग इंटर्नशिप दे रहे हैं, शायद आगे इंटर्नशिप मिलना और मुश्किल हो। इंटर्नशिप जिन कंपनीज के लिए है मैंडेटरी है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अलाउ करेंगे, लेकिन जिन कंपनीज के लिए इंटर्नशिप मैंडेटरी नहीं है वहाँ पर जो गाइड्स होते हैं, जो एमटेक में स्टूडेंट्स के गाइड्स होते हैं, वो सोचते हैं थोड़ा सा, तो मतलब वो लोग जल्दी इंटर्नशिप पे नहीं जाने देते हैं। उन लोग के लिए ऐसा है कि पहले कैंपस का प्रोजेक्ट कंप्लीट करो और फिर जाने के लिए अलाउड होता है। तो आगे का सिनेरियो नहीं पता, अभी तक तो मिल गई थी इंटर्नशिप, मुझे भी मिल गई थी, आगे शायद मुश्किल हो सकता है, मैं श्योर नहीं कह सकता इस बारे में, लेकिन हाँ शायद मुश्किल होगा। और वैसे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिकल में शायद जाने देते हैं आसानी से इंटर्नशिप के लिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, तो इंटर्नशिप का तो ऐसा ही है। अगर मीन्स सेपरेटली अगर कोर कंपनी की बात करें जैसे पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इनकी इनकी कोर मीन्स इनकी इंटर्नशिप के लिए किस टाइप की कोर कंपनी आती है, कुछ कोर कंपनी के नाम बताए। हाँ जैसे देखिए इलेक्ट्रिकल में क्या है, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इन सब के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं त्रिची में, तो जैसे एलस्ट्रॉम हो गया, बजाज हो गया, और TVS मोटर्स हो गया, मर्सिडीज बेंज हो गया, और कॉलिंस एरोस्पेस है, जनरल इलेक्ट्रिक है, डायलमर ट्रक्स है, तो ये सारी अच्छी अच्छी कंपनी जितनी भी है ना, कैटरपिलर है, ये सारी मतलब विजिट करती हैं कैंपस में। सी त्रिची का क्या सीन है ना, मेरे को जैसे गेट स्कोर के बाद IITs भी मिले थे, IIT गुवाहाटी 2 बार मिला था, कानपुर मिला था, दिल्ली मिला था, पर मैंने वो नहीं लिए थे क्योंकि कुरुक्षेत्र भी मिला था, तो सॉरी खड़गपुर, कुरुक्षेत्र नहीं खड़गपुर, IIT खड़गपुर। तो मैंने क्या किया कि मतलब वहाँ पर लेकिन मेरे को VLSI नहीं मिल रहा था, अदर ब्रांचेस मिल रही थी इलेक्ट्रिकल में, जैसे कंट्रोल सिस्टम एंड ऑटोमेशन ये सब मिल रहे थे। तो त्रिची का क्या है कि मैंने भी ऐसे ही अपने टाइम पे जब काउंसलिंग की थी तो मैंने भी फीडबैक लिए थे लोगों से, तो सबका यही कहना था कि प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, प्लेसमेंट्स की गारंटी देते हैं यहाँ पे। तो मैं यही कहूँगा इन ए नटशेल कि इंटर्नशिप की जो है गारंटी नहीं मिल सकती, लेकिन हाँ प्लेसमेंट की गारंटी है त्रिची में। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो फुल टर्म प्लेसमेंट में कितने परसेंटेज बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है, किस किस टाइप की कंपनी विजिट करती है, कितना एक मिनिमम पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम एवरेज, इन सभी पैकेज के बारे में डिटेल में बताएं। फिर सॉफ्टवेयर में अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो सॉफ्टवेयर की क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, इन सभी चीजों के बारे में। देखिए ये सिर्फ एक हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो किधर जाना चाहता है। अगर सपोज करें इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करूं, कोई स्टूडेंट है पावर सिस्टम में, वो चाहता है कि वो सॉफ्टवेयर में जाना चाहता है, तो नो प्रॉब्लम, वो अपना सॉफ्टवेयर के लिए तैयारी करे, कंपनीज में अलाउड होते हैं इलेक्ट्रिकल, आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज में इलेक्ट्रिकल ब्रांच अलाउड होती है, चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर हो, कोर कंपनीज में भी और सॉफ्टवेयर में भी। अब उन्होंने तैयारी करी है तो वो वहाँ जाके एग्जाम दे सकते हैं और अपीयर हो सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो ये हो गया प्लेसमेंट परसेंटेज का। बताऊं तो VLSI में 100% था इस बार मेरे बैच का, मेरे जो सीनियर्स का बैच था उसमें भी 100% था, उससे पहले का तो शायद कोई शायद कोविड बैच था, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ इन 2 ईयर्स का तो 100% है जो मैंने खुद देखा है, आगे भी होपफुली 100% ही रहे। कम्युनिकेशन में भी यही होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो हायर स्टडीज़ ऑप्ट करते हैं तो वो लोग प्लेसमेंट्स में नहीं बैठते हैं, तो वो लोग बैठते ही नहीं है और वो सीधा PhD और उसके लिए अपना ट्राई करते हैं MS के लिए फॉरेन में या जो भी है। सेम इलेक्ट्रिकल में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रिकल की ब्रांच में जाना मतलब इलेक्ट्रिकल की कंपनी में जाना चाहता है, जो मैंने अभी कंपनीज के नाम बताए थे बजाज, TVS और डायलमर ट्रक वगैरह। तो इसके अलावा अगर कोई VLSI की अलग से तैयारी करता है तो वो VLSI कंपनीज में ही बैठ सकता है। मेरे यहाँ खुद सैमसंग में 3-4 लोग हैं जो इलेक्ट्रिकल से हैं, कुछ पावर सिस्टम के भी हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं, तो इस तरीके से। सॉफ्टवेयर की बताऊं तो VLSI कंपनीज भी MC के लिए आती हैं, मतलब MC वाले को लेके जाती हैं, तो सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हैं अगर कोई प्रिपेयर करे तो। सॉफ्टवेयर बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे अभी रिसेंटली Amazon आई थी, Amazon मतलब इंटर्नशिप के लिए लेके गई थी, और अच्छी अच्छी कंपनी सारी आती है, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ये सारी कंपनीज मतलब विजिट करती हैं कैंपस में। जो एक वो कैंपस का वो जो रिक्रूटमेंट का जब टाइम चलता है तो मतलब रेगुलरली कैंपस में सारे लोग एकदम फॉर्मल ड्रेसेस में मिलते ही रहते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई कंपनी हर दिन आती रहती है अच्छी अच्छी कंपनी। तो मैं इस बात को अश्योर कर सकता हूँ कि NIT त्रिची में मतलब
कंपनीज की कमी नहीं है। ये NIRF रैंकिंग भी अगर आप देखेंगे तो IITs के बाद NIT तीसरे का ही नंबर आता है। NITs में टॉप का NIT है और शायद 8th रैंक है NIRF में। तो कंपनीज ऑलमोस्ट सारी विजिट करती हैं अच्छी अच्छी। और प्लस पॉइंट ये भी है कि कुछ गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं जो कि विजिट करती हैं। कुछ लोगों का होता है कि हमको गवर्नमेंट में जाना, जैसे BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करके कंपनी है, वो रिक्रूट करती है हमारे यहाँ से। अभी मेरी ही मतलब इलेक्ट्रॉनिक से ही कम्युनिकेशन के शायद 4 या 5 लोग BEL में गए हैं। और भी 1-2 गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो विजिट करती हैं। अगर एक पैकेज के बारे में आइडिया ले तो एक मीन पैकेज, मैक्सिमम पैकेज, एवरेज पैकेज, इन सभी चीजों के बारे में। हाँ, मुझे भी लगता है काफी लोग इसी का वेट कर रहे होंगे। तो मैंने जैसे पता किया VLSI में तो मिनिमम पैकेज 22 है, मिनिमम, मैक्सिमम 37। और अगर कम्युनिकेशन में भी सेम है, क्योंकि कम्युनिकेशन के लोग 95% लोग VLSI में ट्राई करते हैं और वो जाते भी हैं, VLSI में प्लेस भी होते हैं। इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो वहाँ मिनिमम पैकेज लगभग 6 के आसपास है और मैक्सिमम मैं 37 ही कहूँगा। क्यों? क्योंकि मतलब कुछ लोग इलेक्ट्रिकल से भी VLSI में गए हैं, जो VLSI की भी टॉप कंपनीज है, अगर स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो उनमें जाते हैं। 37 का पैकेज इलेक्ट्रिकल के भी लोगों ने लिया है तैयारी करके। तो मैक्सिमम 37 इलेक्ट्रिकल के लिए और मिनिमम 6 के आसपास मैं बताऊंगा LPA। मतलब ये अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट भी अगर VLSI की प्रिपरेशन करे तो वो सारी कंपनी में एलिजिबल होते हैं। बिल्कुल एलिजिबल होते हैं, और अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो उनको सिलेक्शन भी होता है, चाहे कोई भी कंपनी हो, और इवन सॉफ्टवेयर में भी ट्राई कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में भी अच्छे अच्छे पैकेजेस जाते हैं। अगर हायर स्टडी की बात करें तो कोई बच्चा अगर हायर स्टडी परस्यू करने की सोच रहा है तो किस टाइप की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, किस टाइप का टाई अप कॉलेज का अवेलेबल है, इन सभी चीजों के बारे में बताएं। देखो, जैसे मैं VLSI का ही बताऊं तो हमारे जैसे कुछ प्रोफेसर्स हैं तो उनके जैसे उनके स्टूडेंट्स ही जो कि कॉलेज के ही एलुमनाई हैं, वो काफ़ी फॉरेन यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं, तो उनके अच्छे खासे मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी टाई अप हैं। प्लस अगर ये है कि अगर NIT त्रिची जैसे कॉलेज से MTech करके और अगर कोई पेपर भी पब्लिश कर दिया और हायर स्टडी करनी है तो बहुत प्लस पॉइंट होता है। अगर NIT त्रिची का एक टैग मिल जाता है, पेपर पब्लिश हो गया, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और फिर हम मतलब इंडिया में तो किसी भी इंस्टीट्यूट में ट्राई कर सकते हैं परफॉर्मेंस के बेस पे, PhD के लिए या MS के लिए फॉरेन में भी आसानी से आसानी से ट्राई कर सकते हैं। अगर एकेडमिक स्ट्रेस की बात करें तो वहाँ किस टाइप का एकेडमिक स्ट्रेस है, प्रोफेसर के लेक्चर की क्वालिटी क्या होती है, क्लास अटेंडेंस का क्या सिनारियो है, इन सभी चीज़ों के बारे में। देखिए, अगर एकेडमिक स्ट्रेस की बात करूं तो मुझे नहीं लगता है NIT 3G में बहुत ज़्यादा एकेडमिक स्ट्रेस है। जैसा वो के अंदर होता है कि MTech है और मतलब बहुत ज़्यादा एकेडमिक होगा और मतलब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगी, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, होता है एज़ कम्पेयर टू BTech, MTech में ज़्यादा है। लेकिन NIT 3G में ऐसा नहीं है। NIT 3G में जो कोर्स वर्क डिज़ाइन किया गया है वो काफ़ी मतलब अच्छा है और मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होता है। एज इन आपको ऐसा लगेगा BTech ही कर रहे हो, ऑल्दो MTech है, फर्स्ट ईयर तो ऐसा ही लगेगा जब तक एकेडमिक चलेगा, और सेकेंड ईयर से फिर प्रोजेक्ट आ जाता है तो प्रोजेक्ट करना होता है, गाइड्स पे भी डिपेंड करता है कि कैसे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एकेडमिक स्ट्रेस इतना नहीं है, हमें तो फील नहीं हुआ था अपने टाइम पे। अब क्लास अटेंडेंस की बात करूँ तो देखिए, हाँ, क्लास अटेंडेंस तो ज़रूरी है, लैब्स वगैरह में भी अटेंडेंस रखनी होती है, लैब जो होती हैं तो वहाँ पे इनका काफ़ी वेटेज होता है, लैब का और उनका अटेंडेंस का भी वेटेज होता है CGPA में। कुछ टीचर्स, कुछ मतलब फैकल्टी टू फैकल्टी डिपेंड करता है कि कुछ लोग कंसीडर करते हैं कि ये कितना पंक्चुअल है और कितना अटेंडेंस है इसका, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं CGPA बनाने में भी। और अगर ये लेक्चरर्स की बात करूँ, जैसे फैकल्टीज की बात करूँ, तो हाँ मतलब अच्छा खासा टीचर पढ़ाते हैं, और मैंने बताया ना जैसे कि खुद से ज़्यादा पढ़ना होता है, तो वो वाला सिनेरियो है थोड़ा सा, खुद से ज़्यादा पढ़ना होता है। सब कुछ हम प्रोफेसर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि इसने ऐसा पढ़ा दिया और ऐसा बता दिया, तो ऐसा नहीं है। हाँ, और अवेलेबल होते हैं हमेशा सारे प्रोफेसर्स, कभी भी किसी के भी पास जाके आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हो और बहुत अच्छे से ट्रीट करके वो मतलब डाउट क्लियर करते हैं। कोई अगर MTech करने आ रहा है या कर रहा है तो ये माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, स्पून फीडिंग नहीं होगी, तो अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उतना तो करना ही पड़ेगा।
बहुत सारे बच्चे एमटेक के साथ किसी और भी चीज का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इन सभी चीजों की अपॉर्चुनिटी मुझे वहां मिल पाती है? देखो एमटेक इतना आसान नहीं होगा, एनआईटी त्रिची में स्ट्रेस नहीं होगा लेकिन आसान भी नहीं होगा। हमेशा आप ऑक्यूपाइड रहोगे, ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि हाँ मैं दूसरा काम कर सकता हूँ, ऐसा भी नहीं होगा। अगर ओवरऑल कैंपस लाइफ की बात करें तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? फिर हॉस्टल लाइफ कैसा था? मेस में खाना की क्या क्वालिटी थी, या फिर और भी क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल थे, इन सभी चीजों के बारे में? देखो हमारा तो वहाँ पर हॉस्टल लाइफ लगभग 8-9 महीने का ही था, ज़्यादा नहीं था। हम लोग अप्रैल में गए थे क्योंकि कोविड हमारे टाइम पे था थोड़ा सा, तो हम लोग जाते ही हम लोग को अच्छे खासे हॉस्टल के रूम्स मिले थे। हॉस्टल रूम थोड़े से छोटे हैं जो इंडिविजुअल रूम्स हैं। शुरुआत में तो हमको ट्रिपल सीटर मिला था, लेकिन बाद में जब सिंगल सीटर मिला तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल रूम्स मिले। थोड़े से छोटे हैं, मतलब एक इंसान के अकॉर्डिंग काफ़ी ठीक है, और हॉस्टल लाइफ अच्छी है काफ़ी। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, सारे गेम्स हैं जो आप खेलना चाहो खेल सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छी खासी लाइब्रेरी है और मतलब सब कुछ दे रखा है, जो चाहिए वो वहाँ पे तुम कर सकते हो। खाने का मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे मैस हैं, जैसे साउथ इंडियन मैस अलग है, नॉर्थ इंडियन मैस अलग है, केरला मैस अलग है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे मैस बटे हुए हैं। तो हर महीने क्या होता है कि आपको रजिस्टर करना होता है उस मैस के लिए, जिस मैस में आपको जाना है, नॉर्थ इंडियन में से है साउथ इंडियन में से है, तो उसमें रजिस्टर करके आप खा सकते हो वहाँ खाना पूरे महीने। और कॉलेज के क्वालिटी जैसी है, मतलब सबको पता है हॉस्टल्स में कैसी होती है खाने की क्वालिटी, मेस में कैसी होती है, तो ठीक है, एडजस्ट हो जाता है, ऐसा कुछ खराब नहीं है। कैंपस तो बहुत बड़ा है उसका, तो वहाँ जाके एक साइकिल खरीदनी पड़ती है पहले तो। अगर आपको लगता है कि आप कुछ और पे पॉइंट अपने तरफ से ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखो अभी अपने स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि देखिए अभी मतलब बहुत अच्छा टाइम है, अगर कोई VLSI इंडस्ट्री में आना चाहता है तो। सेमीकंडक्टर अभी बूम पे है इंडिया में, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। अब ये कंपनी है बहुत बड़ी माइक्रोन, जो मेमोरी कार्ड्स और काफ़ी सारी चीज़ें बनाती है, उन्होंने इंडिया में काफ़ी बिलियंस का भी इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड किया है। तो जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि VLSI एक बहुत अच्छा फील्ड है, आज के टाइम पे बूम पर है, और मुझे नहीं लगता ये कभी ख़त्म भी होगा या कुछ होगा। तो अगर आप किसी को यहाँ आना है तो इस इंडस्ट्री में आना है, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो और इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, तो बहुत अच्छे से मतलब चूज करके आ सकते हैं। CV में क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि मतलब कुछ एडिशनल आपको एज मिले, तो NPTEL के कोर्सेज होते हैं काफ़ी, जैसे वेरीलॉग का भी कोर्स है NPTEL का, और CMOS का भी कोर्स है NPTEL का, वो आप ले सकते हो अगर VLSI फील्ड में जाना है तो एज इन वो रेज्यूमे में जब लगता है कि NPTEL के कोर्सेज हैं तो वो अच्छा लगता है, थोड़ा मतलब कंपनी प्रेफरेंस देती है वेरीलॉग और CMOS डिज़ाइन। अब बात करते हैं एज इन इंडस्ट्री क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो VLSI इंडस्ट्री में दो डोमेन है मेजर, एक डिजिटल और एक एनालॉग। अगर कोई एनालॉग में जाना चाहता है तो मैं बताऊंगा कि एनालॉग के लिए मतलब उनको बेसिकली प्योर एनालॉग उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर कोई डिजिटल में जाना चाहता है तो दो चीज़ें हैं, जैसे एक तो डिजिटल अच्छे से करना है, दूसरा वेरीलॉग, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं करने के लिए इंडस्ट्री में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए और अपना इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। थैंक यू। आप सभी दर्शकों को अगर और भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।